आपका मन में एक सवाल आ रहा होगा भाई, आईडी आने का कितना दिन बाद फाइल ओपनिंग होता है। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ दोस्तों। ऑफिस से कॉल आया था कि बोला कि जाओ लाइसेंस की फाइल ओपन करा लो। तो सॉरी माय दोस्त, मैंने इतना दिन वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था और बहुत ज़्यादा मेहनत का काम कर रहा था दोस्तों। मैं वीडियो अपलोड कर दिया था, फिर से डिलीट कर दिया। कुछ वजह है, कुछ कारण है। आज के इस ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस का फाइल ओपनिंग कैसे होता है, क्या क्या सवाल पूछता है, और आई टेस्ट कैसे होता है, और मेरा ड्राइविंग स्कूल कौन सा है। मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मोबाइल देखता हूँ और मेरा आई का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मोबाइल देखने का वजह से मैं दूर का चीज़ें थोड़ा सा ब्लार देखता हूँ, और जिस हिसाब से मेरा कंडीशन है, मेरे को एक मतलब चश्मा चाहिए था। मैं तो आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा, आप लोग थोड़ा मोबाइल वोबाइल कम देखा करो क्योंकि दुबई में ड्राइविंग का टाइम में तो आई टेस्ट होता ही है, और टैक्सी में हर एक साल आई टेस्ट होता है। मेरे को जहाँ तक सुनने को मिला है, जहाँ तक मालूम हुआ है, ये RTA कार्ड बनाना पड़ता है, मेडिकल करना पड़ता है, और हर साल आई टेस्ट होता है। तो मोबाइल थोड़ा सा कम देखो बेहतर है, और मेरे लिए थोड़ा सा दुआ करो ताकि मैं आई टेस्ट में पास कर जाऊँ। आई टेस्ट में पास करूँगा तभी मेरा ड्राइविंग का फाइल ओपन होगा। दोस्तों, धूप में काम करके मैं ब्लैक हो गया। पहले थोड़ा व्हाइट था, अभी ब्लैक हो गया, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। कोई बात नहीं दोस्तों, जिधर भी जाता हूँ मेरा साथ कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा। जैसे कि अभी मैं रह रहा हूँ सोनापुर में, और मेरा ड्राइविंग स्कूल हुआ है आल वर्षा में, काफ़ी दूर है यहाँ से, और डायरेक्टली बस भी नहीं मिलता, मतलब 22 किलोमीटर दूर है, बहुत ज़्यादा घूम घाम के जाना पड़ेगा। मैं अभी जा रहा हूँ, यहाँ पे बस में जाएगा, बस से एयरपोर्ट टर्मिनल 2 जाएगा, टर्मिनल 2 से फिर आल वर्षा 3 का बस में जाना है। मतलब यहाँ से सीधा जाए तो 22 किलोमीटर है, बट बस में सफ़र करेगा तो ही 22 किलोमीटर के जगह वो घूम घाम के लेके जाएगा। कम से कम 30 से 35 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा, तो बस में टाइम लगेगा 2.5 घंटा यहाँ से, और पता नहीं पैसा कितना खर्चा होगा यार। ये तो बहुत मुश्किल का बात है भाई, खर्चा बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। अगल बगल में कितना सारा स्कूल है, इमारत ड्राइविंग स्कूल है, बेलहासा ड्राइविंग स्कूल है, अगल बगल में काफ़ी ज़्यादा स्कूल है, बट वहाँ नहीं मिला मेरे को। आज मैंने सनग्लास इसलिए लगाया हूँ ताकि मेरा आँख का रश्मि थोड़ा अच्छा हो, आँख थोड़ा अच्छा दिखूँ, मैं टेस्ट में पास हो जाऊँ, इसके लिए ये लगाया हूँ। फाइनली दोस्तों, एयरपोर्ट आके पहुंच गया हूं। यहां से जाना है दूसरा बस 20A आल वर्षा 3। यार एयरपोर्ट पे आके तो पहुंच गया हूं, मन करता है इंडिया चले जाओ, बट कहां होगा अभी नसीब में, 2 साल का बाद ही सोचने का है। ये देखो भाई लोग घर जा रहा है लगता है। मेरे दिल पे ऐसी छाई तू ही, तू मुझ में समाई, बताई मेरी खुदाई बेलिया, दुनिया हो जाए। ये था बस दोस्त के पहुंच गया हूँ। ये सामने आप देख रही हो इमारत, ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, यही है मेरा ड्राइविंग स्कूल। चलो अंदर जाके प्रोसेस क्या है देखता हूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये एक ही बस में आया हूँ,
ये तीन भाई, ये श्रीलंकन है, मैं तो इंडियन आसाम का हूँ। दोस्तों अंदर गया था, अंदर जाके टुकन लिया हूँ, और अभी तो सबसे जो मेन चीज़ है आई टेस्ट करना पड़ेगा। आई टेस्ट करने का बाद ही फाइल ओपन होगा, तो मेरा थोड़ा डाउट था तो मैं ठंडा पानी लिया हूँ और अपना आँख अच्छा से धुलाई किया, आँख में ठंडा पानी दिया। अभी जाके थोड़ा वेट करना है, फिर जाके आई टेस्ट होगा, उसके बाद फाइल ओपनिंग होगा। भाई आई टेस्ट मैंने जितना घबरा हुआ था उतना टफ नहीं है, मैं जिस तरह सोच रहा था इजी है। भाई टेंशन मत लो, आप लोग पास हो जाओगे, आपका आई अगर सही है, ब्लार नहीं देखता, तो आप इजीली पास हो जाओगे। मेरा थोड़ा दिक्कत है, मैं ब्लार देखता हूँ, फिर भी बड़ा वाला जो अक्षर है, जो नंबर है, वो तो मैं इजीली पढ़ दिया, छोटा वाला भी पढ़ दिया, बट मेरा अंदर ही अंदर कुछ डाउट हो रहा है, क्या पता मैं एक दो गलत भी बोल सकता हूँ, ताकि जो छोटा वाला अक्षर है ना वो बहुत ही छोटा रहता है। और मैंने चश्मा पहन के गया था, इसके लिए मशीन से मेरा आँख भी टेस्ट किया, वही कुछ मशीन में देखने के लिए बोला था मशीन के अंदर, तो मैंने देखा, वो भी पहली बार देखा ज़िंदगी में, लाइफ में इससे पहले कभी नहीं देखा था, तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है, मेरे को लगता है मैं पास हो जाऊँगा। और मेरा चश्मा का पावर कुछ ठीक नहीं है, -0.5 ऐसा कुछ है, मतलब थोड़ा सा पावर है चश्मा में, फिर भी इसको लगाने से मैं काफ़ी हद तक अच्छा देखता हूँ, ब्लार नहीं देखता। ये -0.5 पावर का है, ज़्यादा पावर का होगा तो अच्छा देखता, बट क्या करें, ज़्यादा पावर का चश्मा अभी है नहीं, इसी से काम चल गया। इंशाल्लाह आप लोग दुआ करो, पास हो जाएगा इसी से। अभी वेट कर रहा हूँ फाइल ओपनिंग के लिए, एक नज़र पूरा इधर भी देख लो, चलो आप लोगों को घूम घूम के पूरा दिखा देता हूँ उधर में। आपका मन में एक सवाल आ रहा होगा, भाई आईडी आने का कितना दिन बाद फाइल ओपनिंग होता है? भाई ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, मैं काफ़ी भाइयों से मिला हूँ, किसी किसी का एक महीना बाद फाइल ओपनिंग हुआ है, किसी का 15 दिन, मेरा 10 से 12 दिन बाद हुआ है। ये भाई डिपेंड करता है स्कूल का ऊपर, ये स्कूल में स्लॉट खाली है तो जल्दी मिल जाएगा, अगर सारा स्कूल में स्लॉट बुकिंग है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। मेरे को जो स्कूल मिला है इमारत ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, ये मतलब दुबई से काफ़ी दूर है, इतना भीड़ भाड़ इलाका नहीं है इसमें, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अच्छा स्कूल मिला है। इंशाल्लाह जल्दी आप लोग दुआ करो, जल्दी लाइसेंस मिल जाएगा, मैं भी आप सबके लिए दुआ कर रहा हूँ, आप लोगों को भी जल्दी फाइल ओपन हो जाए और जल्दी सक्सेसफुली लाइसेंस ले सको। मेरे को जहाँ तक मालूम हुआ ये पूरा दुबई में बस एक ही ब्रांच है, मेन ब्रांच है ये। ब्लॉग में आपका, मेरा ब्लॉग में आप लोग इसका आसपास का रास्ता भी देखा होगा, रोड भी देखा होगा, मतलब इतना भीड़ भाड़ नहीं है, और ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, गुड है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, खुश हूँ ये स्कूल मिलने के लिए। बट दिक्कत यही है, थोड़ा सा दूर है रूम से, वही आने में 8 दिरहम और जाने में 8 दिरहम खर्चा होगा, और दोपहर में कुछ खाने के लिए 5-6 दिरहम, इतना तो खर्चा हो जाएगा। दोस्तों फाइनली फाइल ओपन हो गया है मेरा, आप लोगों का दुआ है, और अभी जा रहा हूँ रूम पे, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 7 बजने वाला है, और रूम काफ़ी दूर है यहाँ से, तो दो दो बस चेंज करना पड़ेगा, फिर जाके रूम मिलेगा।
मैं तो ऑनलाइन क्लास लिया हुआ हूँ, रूम में बैठ के ऑनलाइन क्लास करेगा, फिर इधर आके मॉक टेस्ट देगा, उसके बाद थियोरी टेस्ट होगा। आगे क्या क्या प्रोसेस है और भी आप लोगों के लिए जानकारी का वीडियो बनाएगा। मेरा जो डाउट था वो क्लियर हो गया, आई टेस्ट में मैं फाइनली पास हो गया हूँ। जितना नंबर था मैंने साफ साफ बता दिया था, एक नंबर बस कन्फ्यूज़ हो गया था, वो काफ़ी छोटा था ना, तो उससे कोई मसला नहीं हुआ। दोस्तों ये पीछे जो आप रोड देख रही हो, इसी रोड से मतलब इसका चारों तरफ से जो टेस्ट वगैरह होगा इधर ही होगा लगता है। आज तो मेरा पहला दिन है, इधर होगा तो अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक है। इतना ट्रैफिक भी वगैरह इधर नहीं है, इंशाल्लाह लाइसेंस जल्दी मिलने का चांसेस है। काफ़ी लोगों से जानकारी लिया हूँ, रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिला है, स्कूल्स काफ़ी अच्छा है, बस आप लोगों को दुआ चाहिए, इंशाल्लाह जल्दी लाइसेंस मिल जाए। तो दोस्तों अभी बस का वेट कर रहा हूँ, यही बस स्टॉप है, ये मतलब दुबई से काफ़ी दूर है, आउट एरिया है, तो थोड़ा सा विलेज जैसा है, गाँव जैसा फीलिंग्स आता है। और आज के लिए इतना ही, मिलते किसी अगले, तो मिलता हो अगले किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो को एक लाइक कर दो, कुछ पूछना है तो कमेंट कर दो, चैनल पे नया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।